हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू लर्न विद दीदीमन। तो आज हमारा हिस्ट्री का लास्ट टॉपिक है और आज आपकी जो हिस्ट्री है वो बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगी। आज हम पढ़ने वाले हैं बिजोलिया किसान आंदोलन, बेगू किसान आंदोलन, जो भी किसान आंदोलन हुए राजस्थान में जो हुए वह सभी आज हम पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ से प्रश्न जो है वो आपके एग्जाम में होते ही हैं। आरपीएससी का कोई भी एग्जाम हो, जनजातीय आंदोलन और किसान आंदोलन, यहाँ से प्रश्न जो है वो आते ही हैं। और आप आपकी जो हिस्ट्री है वो कंप्लीट हो चुकी है, आज लास्ट है ये, और इसके बाद आपके केवल 3 या 4 वीडियो जो हैं उनमें आपका कंप्लीट हिस्ट्री का टेस्ट ले लिया जाएगा, जिसमें हम संपूर्ण क्लास 6 का एक दिन टेस्ट लेंगे, उसके बाद संपूर्ण क्लास 7 का लेंगे। इसी तरीके से सभी जो क्लासेस हैं उनका टेस्ट ले लिया जाएगा। आप जो अपनी तैयारी जो है वो प्लीज लगातार करिए, क्योंकि यही आपका टाइम है लर्न करने का और रिवीजन का। तो आप अभी ही जो हिस्ट्री है उसे ऐसे ही कंप्लीट कर लीजिए। एक जो बच्चा है वह पूछ रहा था कि मैम याद कैसे होंगे। याद इसी तरीके से होंगे, वीडियो को 2 या 3 बार देखिए, उसके बाद आप जब टेस्ट देंगे उसमें हम ऑप्शन के साथ क्वेश्चन जो है वह करेंगे, तो वहां आपको आइडिया लग जाएगा कि आपको कितने आंसर जो है वो आपने सही किए और कितनी आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही है। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1, राजस्थान में भील जनजाति कहाँ निवास करती थी? तो यह जनजाति राजस्थान के दक्षिणी भाग में डूंगरपुर, मेवाड़, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा और कुशलगढ़ क्षेत्र में निवास करती थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, संप सभा की स्थापना किसने की? संप सभा की स्थापना किसने की? तो इसका आंसर है 1883 ईस्वी में गोविंद गुरु ने संप सभा की स्थापना की थी। देखिए, एक बात और मुझे आप लोगों से पूछनी है, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कुछ बच्चों को आरबीएससी से पढ़नी है ज्योग्राफी, और कुछ बच्चों को जो न्यू एनसीईआरटी है राजस्थान में जो लागू की गई है वहां से पढ़नी है। तो आप लोगों को बताना है कि आप किसमें से पढ़ने के इच्छुक हैं, क्योंकि खुद आपने देखा होगा जो अभी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम हुआ तो उसमें बहुत सारे प्रश्न जो हैं वो यहीं से पूछे गए, जो भी हम ये टेस्ट सीरीज कर रहे हैं। तो अब आपको बताना है, क्योंकि ज्योग्राफी ऐसी चीज है जिसमें हम पहले चैप्टर को ही पढ़ेंगे, क्योंकि मैटर जो है वह यदि समझ में नहीं आया तो आप क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो आपको ये बताना है कि आप एनसीईआरटी से करेंगे न्यू वाली या फिर आरबीएससी की बुक से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, भगत आंदोलन के नेतृत्वकर्ता गोविंद गुरु ने मानगढ़ पहाड़ी जो बांसवाड़ा में है भीलों के लिए सभा कब की? इसका आंसर है 1913 ईस्वी में अक्टूबर में। क्वेश्चन नंबर 4, भगत आंदोलन का क्या कारण था? तो भगत आंदोलन, भील आंदोलन के बारे में हम पिछली कक्षाओं में भी पढ़ चुके हैं, यहाँ पर थोड़े और फैक्ट हैं, इनको आप अपने नोट्स में ऐड कर लीजिएगा। भगत आंदोलन का कारण था भीलों से बेगार कृषि कार्य के लिए मजबूर किया करवाया जा रहा था, इस वजह से भगत आंदोलन हुआ। नेक्स्ट है, एक ही आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? एक ही आंदोलन का नेतृत्व किया मोतीलाल तेजावत ने। यह आंदोलन हुआ 1917 ईस्वी में, भीलों और गरासियों के लिए किया गया। क्वेश्चन 6, 1894 में बिजोलिया में जमींदार किशन सिंह ने कितने प्रकार के कर किसानों पर लगाए? तो यहाँ से हम बिजोलिया किसान आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला, क्योंकि यह आंदोलन जो है वो सबसे प्रथम संगठित आंदोलन माना जाता है, सबसे लंबा चलने वाला किसान आंदोलन बिजोलिया किसान आंदोलन है, जो कि लगभग 44 सालों तक चला। तो जो किशन सिंह थे जमींदार बिजोलिया में, उन्होंने 84 प्रकार के कर जो है वो किसानों पर लगाए थे। अब जब इतने सारे कर किसानों पर लगाए जाएंगे तो आंदोलन तो निश्चित होगा ही। बिजोलिया आंदोलन कितने वर्षों तक चला? तो यह आंदोलन जो है वह 44 वर्षों तक चला था, जो कि प्रथम संगठित किसान आंदोलन कहलाता है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, बिजोलिया के किसानों ने लागत और बेगार की शिकायत के लिए किस महाराणा के पास अपने जो लोग थे उनको भेजा? तो उस समय मेवाड़ के जो महाराणा थे वह फतेह सिंह थे, तो मेवाड़ के महाराणा के पास किसे भेजा? नानजी पटेल और ठाकरी पटेल को, कि भाई हमारी जो शिकायत है जमींदार द्वारा इतना ज्यादा बेगार करवाया जा रहा है और ऊपर से लगान भी लिए जा रहे हैं, तो यह शिकायत लेकर मेवाड़ के महाराणा के पास जाया जाए, क्योंकि जो लगान होता था तो वह जमींदार के ऊपर जो है वो मेवाड़ के शासकों द्वारा लगाया जाता था, लेकिन सारा का सारा जो
लगान है वह है, जमींदार क्या करते थे, किसानों पर थोप देते थे। बिचौलिया किसान आंदोलन 1897 ईस्वी के समय मेवाड़ के महाराणा कौन थे? तो उस समय मेवाड़ के महाराणा जो थे वह थे फतेह सिंह। नेक्स्ट है, महाराणा फतेह सिंह ने बिचौलिया के किसानों की लागत और बेगार संबंधी शिकायतों की जांच के लिए किस राजस्व अधिकारी को नियुक्त किया? तो जब गांव के लोगों ने अपने दो लोगों को महाराणा के पास भेजा, तो महाराणा ने जो राजस्व अधिकारी था हामिद हुसैन, इसको नियुक्त किया और कहा जाओ और देखो कि किसानों की जो भी शिकायतें हैं उनकी जांच करो। नेक्स्ट है, बिजोलिया में अकाल कब पड़ा? एक तो बिजोलिया में लगान इतना ज्यादा लिया जा रहा था, बेगार कृषि करवाई जा रही थी, ऊपर से बिजोलिया में अकाल पड़ा 1899 से 1900 ईस्वी में। तो अब किसानों की दशा जो है अत्यंत दयनीय हो चुकी थी। 1903 ईस्वी में राव कृष्ण सिंह ने कौन सा नया कर बिजोलियों के किसानों पर लगाया? तो देखिए, अब तो जब इतना कुछ हो रहा था उसके बाद भी जो जमींदार था वो सोचिए कितना ज्यादा क्रूअल था। तो इसने जो कर लगाया वह था चवरी कर, किशन सिंह द्वारा जो नया कर लगाया गया वह था चवरी कर। नेक्स्ट है, चवरी कर क्या है? तो ये चवरी कर क्या था? तो गांव के हर व्यक्ति को लड़की के विवाह पर 5 रुपए ठिकाने के कोष में जमा करना पड़ता था, ठीक है? तो इसी वजह से गांव के लोगों ने अपनी जो लड़की थी उनका विवाह जो है वह भी करना बंद कर दिया था, क्योंकि 5 रुपए जो थे वह भी उस टाइम बहुत हुआ करते थे। नेक्स्ट है, बिजोलिया में 1906 ईस्वी में प्रजा पर तलवार बंधाई नामक कर किसने लगाया? तो चवरी कर जो है वह किशन सिंह ने लगाया था, और उसके बाद तलवार बंधाई कर जो है वो पृथ्वी सिंह ने लगाया था। यह भी कर जो है वह पृथ्वी सिंह से लिया जाता, जमींदारों से लिया जाता था, जो कि एक उत्तराधिकारी कर था, लेकिन इसे भी उसने क्या किया, किसानों पर डाल दिया। तलवार बंधाई कर वास्तव में किसके ऊपर लगाया जाता था? तो हमने देखा ये वास्तव में तो ये मेवाड़ के शासकों द्वारा जमींदारों पर लगाया जाता था। नेक्स्ट है क्वेश्चन 16। 1913 ईस्वी में किसानों ने किसके नेतृत्व में बिजोलिया में जागीर क्षेत्र में हल चलाने से इनकार किया? अब किसान नहीं देने वाले थे कर, तो इसीलिए उन्होंने हल चलाने से इनकार कर दिया। तो यहाँ पर नेतृत्व किया साधु सीताराम दास, फतेह करण चारण और ब्रह्मदेव, इन तीनों ने नेतृत्व किया और किसानों ने हल चलाने से इनकार कर दिया। यहाँ से आंदोलन जो है वो प्रारंभ हो जाता है। बिजोलिया किसान आंदोलन किस गांव से प्रारंभ हुआ? तो यह आंदोलन जो है वो प्रारंभ होता है गिरधरपुरा गांव से। यहाँ गंगाराम धाकड़ के घर पर एक मृत्यु भोज हुआ, तो गांव के सभी लोग इकट्ठे हुए। उसके बाद इन्होंने आपस में बात की कि जमींदार जो है वो बहुत ज्यादा कर ले रहा है, तो हमें अपने किसी दो व्यक्ति को मेवाड़ के महाराणा जो फतेह सिंह है उनके पास भेजा जाना चाहिए, ठीक है? तो यहाँ आंदोलन जो शुरू होता है इस गांव से। नेक्स्ट है 18, साधु सीताराम दास द्वारा आमंत्रित करने पर 1917 ईस्वी में बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने संभाला? तो सबसे पहले साधु सीताराम दास ने जो है वह नेतृत्व संभाला था, लेकिन 1917 में उन्होंने बुलाया विजय सिंह पथिक को कि आप आइए और बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व संभालिए। क्वेश्चन 19 है, विजय सिंह पथिक ने 1917 ईस्वी में हरियाली अमावस के दिन किस गांव में उपरमाल पंचमोड़ नामक एक संगठन स्थापित किया? तो उपरमाल पंचमोड़ नामक संगठन जो है स्थापित करने वाले थे विजय सिंह पथिक। तो इन्होंने बैरीसाल गांव में यह उपरमाल पंचमोड़ संगठन स्थापित किया। नेक्स्ट है 20, बाल गंगाधर तिलक ने अपने किस अंग्रेजी पत्र में बिचौलिया के बारे में संपादक लिखा? तो यहाँ पर देखिए दो प्रश्न आए हैं, और वो क्या है कि बाल गंगाधर तिलक के द्वारा अंग्रेजी पत्र जो है वो कौन सा था, मराठा, ठीक है? ये हम पहले देख भी चुके हैं। तो सॉरी, बाल गंगाधर तिलक ने अपने मराठा अंग्रेजी पत्र में बिचौलिया के बारे में लिखा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 21, बिजोलिया के किसानों को जागृत करने के लिए माणिक्य लाल वर्मा द्वारा कौन सा गीत गाया गया? तो उनके द्वारा पंछेड़ा गीत गाया गया। नेक्स्ट है, ऊपर माला का डंका क्या था? तो यह एक पत्र था, पंचायत का एक पत्र था। क्वेश्चन 23, बिजोलिया किसान आंदोलन को
को देश भर में किस समाचार पत्र द्वारा राष्ट्रीय पहचान मिली? तो अब बिजोलिया किसान आंदोलन जो था केवल बिजोलिया में ही नहीं था सीमित, बल्कि वह दूर तक पहुंच चुका था, पूरे देश में पहुंच चुका था, और इसे राष्ट्रीय पहचान जो है वह मिली थी गणेश शंकर के समाचार पत्र प्रताप द्वारा। क्वेश्चन नंबर 24। तो गणेश शंकर द्वारा जो समाचार पत्र जो है वह प्रताप जो है वह प्रकाशित किया जा रहा था, यह कहाँ से प्रकाशित हो रहा था? कानपुर से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25। उदयपुर राज्य सरकार ने अप्रैल 1919 ईस्वी में बिजोलिया के किसानों की शिकायत की सुनवाई करने के लिए किसकी अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया? हाकिम बिंदुलाल भट्टाचार्य, इनकी अध्यक्षता में उदयपुर राज्य सरकार ने बिजोलिया के किसानों की सुनवाई के लिए किसे गठित किसके किसकी अध्यक्षता में आयोग का गठन किया? हाकिम बिंदुलाल भट्टाचार्य की अध्यक्षता में। नेक्स्ट है 26। बिजोलिया किसान आंदोलन के समय राजस्थान के एजी कौन थे? देखिए विशेष रूप से याद रखना है इसको, क्योंकि उस समय राजस्थान के एजी कौन थे? रॉबर्ट हॉलैंड। नेक्स्ट है 27। विजय सिंह पथिक कब बिजोलिया किसान आंदोलन से अलग हुए? तो यह अलग हुए 1927 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 28। बिजोलिया किसान आंदोलन कब समाप्त हुआ? तो काफी लंबे समय तक चला था, तो यह आंदोलन 1941 में समाप्त हुआ, 1897 में प्रारंभ हुआ था, उसके बाद 1941 में यह समाप्त हुआ। नेक्स्ट है 29। लंदन से प्रकाशित होने वाले किस समाचार पत्र में किसानों के समर्थन में लेख छपे? तो देखिए भारत में ही नहीं बल्कि इसकी पहुंच जो है वो लंदन में भी हो चुकी थी, तो यह डेली हेराल्ड समाचार पत्र जो था उसमें किसानों के समर्थन के बारे में जो लेख हैं वो छपे थे, और यह कहाँ से प्रकाशित होता था? लंदन से। नेक्स्ट है सीकर किसान आंदोलन किसके कारण हुआ? अब हम बिजोलिया किसान आंदोलन को पढ़ चुके हैं, सभी फैक्ट हमने इंक्लूड कर लिए हैं, एक एक पॉइंट जो है वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। सीकर किसान आंदोलन किसके कारण हुआ? अब यहाँ का जो ठिकानेदार था वह था कल्याण सिंह सीकर में, तो इसने भी 25 से 40% तक भू राजस्व वृद्धि की, इसकी वजह से यह आंदोलन हुआ। नेक्स्ट है 31। सीकर किसान आंदोलन में नेतृत्व किसने किया? तो इसमें जो नेतृत्वकर्ता थे वह थे राम नारायण चौधरी, जो कि राजस्थान सेवा संघ के मंत्री थे। आपको देखिए इन आंदोलन में विशेष तौर पर याद क्या रखना है, एक तो यह आंदोलन कब प्रारंभ हुआ, इसका नेतृत्व किसने किया, और किसकी वजह से यह आंदोलन हुआ, ये तीन चीजें जो है वो विशेष तौर पर आपको याद रखनी है। क्वेश्चन 32। सीकर किसान आंदोलन में 1925 में ब्रिटिश संसद के निचले सदन हाउस ऑफ कॉमन्स में किसने से किसानों के समर्थन में आवाज उठाई उठाई? तो देखिए ब्रिटिश संसद का जो निचला सदन था वो था हाउस ऑफ कॉमन्स, तो यहाँ पर सर पैथिक लॉरेंस ने किसानों के समर्थन में आवाज उठाई थी। तो जैसा हमने देखा देश में ही नहीं देश के बाहर भी ये आवाजें जो है वो उठने लगी थी किसानों के समर्थन में। भरतपुर के ठाकुर देशराज ने कहां एक सभा जाट प्रजापति महायज्ञ करने का निश्चय किया? तो ठाकुर देशराज ने पथेना में एक सभा जो थी वह वहां पर महायज्ञ करने का निश्चय किया। 20 जनवरी 1934 में सीकर में किस आचार्य की देखरेख में जाट प्रजापति महायज्ञ हुआ? आंसर है यज्ञाचार्य पंडित खेमराज शर्मा की देखरेख में जाट प्रजापति महायज्ञ आरंभ हुआ। नेक्स्ट है 35। 20वीं शताब्दी का राजपूताने में होने वाला सबसे बड़ा यज्ञ कौन सा था? तो यह यज्ञ था जाट प्रजापति महायज्ञ। नेक्स्ट है क्वेश्चन 36। सीहोर के ठाकुर मानसिंह के विरुद्ध 25 अप्रैल 1934 ईस्वी में किस स्थान पर श्रीमती किशोरी देवी की अध्यक्षता में एक विशाल सम्मेलन का आयोजन हुआ? तो यह आयोजन हुआ सीकर में कटराथल स्थान पर। नेक्स्ट है क्वेश्चन 37। सीकर में हुए विशाल महिला सम्मेलन में जो महिलाएं थीं उनमें प्रमुख थीं श्रीमती फूला देवी, श्रीमती रमा देवी जोशी, श्रीमती उत्तमा देवी और श्रीमती दुर्गा देवी। क्वेश्चन नंबर 38। 25 अप्रैल 1935 को सीकर में राजस्व अधिकारी लगान वसूलने के लिए कूदन गांव पहुंचा,
किस महिला द्वारा लगान ना देने के लिए विरोध किया गया? तो सीकर में जिस महिला ने विरोध किया उसका नाम था धापी दादी। नेक्स्ट है 39। सीकर किसान आंदोलन का नेतृत्व करने वाले नेता कौन कौन थे? तो आगे तक ये आंदोलन चला तो यहाँ नेतृत्व करने वाले नेता जो थे वो थे सरदार हरलाल सिंह, नेतराम सिंह गौरी, पन्ने सिंह, हारू सिंह, गौरी सिंह, ईश्वरी सिंह। ठीक है, इनके नाम आपको याद रखने हैं, ये आपको याद हो जाएंगे। वीडियो को आप बार बार देखेंगे ये बिल्कुल आपको याद हो जाएंगे। सीकर की कूदन गांव हत्याकांड में शहीद किसानों के नाम लिखिए। तो इस सीकर कूदन गांव का जो हत्याकांड था, यहाँ जो शहीद हुए थे वो किसान थे चेताराम, टीकूराम, तुलचाराम और आसाराम। देखिए सभी के नाम के पीछे राम लिखा हुआ है, आपको बस याद रखना है कि ये सीकर गांव में, सीकर के जो कूदन गांव हत्याकांड थे वहां शहीद हुए थे चेताराम, टीकूराम, तुलचाराम और आसाराम। नेक्स्ट है क्वेश्चन 41। अब देखिए, मैंने जो अभी पुलिस कांस्टेबल का क्वेश्चन पेपर डाला था वो मैंने इसलिए डाला था ताकि आप ये जान सको कि आरपीएससी की बुक जो है, इसमें आरबीएससी की बुक जो है वो आपके लिए कितनी इम्पोर्टेंट है। वहां पर आप देखिएगा क्वेश्चन ये वाला आया है, बेगू किसान आंदोलन कब हुआ था? ठीक है, तो वहां मैंने इसीलिए वो क्वेश्चन पेपर डाला। आप जो भी क्वेश्चन होते हैं जो अभी चल रहे हैं क्वेश्चन पेपर किसी भी एग्जाम के राजस्थान लेवल पर, तो उनको भी सॉल्व किया करिए, क्योंकि वहां क्या पता आपके जो एग्जाम होगा वहां यही क्वेश्चन जो है वो आ जाए। आप रीट का दे रहे हैं उससे पहले आपका पटवारी का जो एग्जाम हो जाएगा, तो उनका क्वेश्चन पेपर है वो भी आप देखिएगा, जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ऐसा नहीं होता है कि आप रीट की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको जो एग्जाम है उनसे कोई मतलब नहीं। बेगू किसान आंदोलन प्रारंभ हुआ था 1921 ईस्वी में धाकड़ जाति के किसानों द्वारा। नेक्स्ट है 42। बेगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो नेतृत्व करने वाले थे राम नारायण चौधरी। ठीक है, और यह भी उनको किसने कहा था? विजय सिंह पथिक को। नेक्स्ट है 43। बेगू किसान आंदोलन के समय वहां के ठाकुर कौन थे? तो बेगू किसान आंदोलन के समय ठाकुर थे अनूप सिंह। नेक्स्ट है, आप एक पेज पर जो भी आंदोलन है उनकी डेट लाइन बाई लाइन, उनके नेतृत्वकर्ता और वहां के जो ठाकुर कौन थे, ये आप लिखकर और इनको याद भी करिए। वीडियो तो आप देखते ही हैं तो यहाँ आपको याद होते हैं, एक बार आप लिखकर याद करेंगे तो वहां भी आपको याद होंगे। बेगू किसान आंदोलन 1921 में किसानों की सभा कहाँ हुई थी? तो किसानों ने जो सभा की थी वह की थी मैनाल में भैरी कुंड पर। ठीक है, नेक्स्ट है, राजस्थान सेवा संघ और रावल अनूप सिंह के समझौते को मेवाड़ सरकार ने किसकी संज्ञा दी? तो ये जो समझौता हुआ था अनूप सिंह और राजस्थान सेवा संघ में, तो इसकी जो संज्ञा है वह मेवाड़ सरकार ने दी बोल्शेविक समझौता से, जो कि 1917 में रूस की क्रांति के समय हुआ था। नेक्स्ट है 46। बेंगू किसान आंदोलन में किसानों की शिकायत के समाधान के लिए किसके नेतृत्व में एक आयोग नियुक्त किया गया? आज का जो वीडियो है इसमें सभी प्रश्न जो है बिल्कुल नए हैं, आपको ये सभी याद रखने हैं। तो जो आयोग नियुक्त किया गया था, ट्रेंच, ट्रेंच आयोग। ठीक है, अब क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि ट्रेंच आयोग जो है उसका किस आंदोलन से संबंधित है? तो वो बेगू किसान आंदोलन से संबंधित है। देखिए यहाँ थोड़ा सा याद करने की बताती हूँ, बेगू थोड़ी सी दो वर्ड से ही बना हुआ है, इसीलिए ट्रेंच, ट्रेंच भी दो वर्ड से ही बना हुआ है, बेगू ट्रेंच। नेक्स्ट है 47। बेगू के किसान ट्रेंच के निर्णय, बेगू के जो किसान थे उन्होंने ट्रेंच के निर्णय पर विचार करने के लिए कहाँ एकत्रित हुए? तो वह गोविंदपुरा एकत्रित हुए। नेक्स्ट है 48। बेंगू किसान आंदोलन में कौन से दो किसान शहीद हुए? तो इसका आंसर है रूपाजी और कृपाजी। धाकड़ जो है वह बेंगू किसान आंदोलन में शहीद हुए 13 जुलाई 1923 ईस्वी में, और बेंगू किसान आंदोलन प्रारंभ हुआ था 1921 में। नेक्स्ट है 49। बेंगू, अब बेंगू किसान आंदोलन हमारा हो चुका, नेक्स्ट है बूंदी किसान आंदोलन। बूंदी किसान आंदोलन जिसे बरड किसान आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है, तो इसके नेतृत्वकर्ता थे पंडित नैनूराम शर्मा। कौन थे? पंडित नैनूराम शर्मा। नेक्स्ट है
बूंदी किसान आंदोलन कब हुआ? बूंदी किसान आंदोलन कब हुआ? यह आंदोलन हुआ 1922 से 1927 ईस्वी तक, यानी बेंगू किसान आंदोलन 1921 में, बूंदी किसान आंदोलन 1922 में प्रारंभ हुआ। प्रश्न, बूंदी किसान आंदोलन में 2 अप्रैल 1923 को किस गांव में किसानों की सभा हुई? आंसर है डाबी गांव में। नेक्स्ट है क्वेश्चन 52, डाबी गांव में किसानों पर गोलियां किसने चलाई? तो यहां गोली जो है चलाने वाला पुलिस अधीक्षक था इकराम हुसैन। नेक्स्ट है क्वेश्चन 53, बूंदी किसान आंदोलन में कौन से किसान गोलियों से शहीद हुए? बूंदी किसान आंदोलन में शहीद होने वाले किसान थे नानक भील और देवलाल गुर्जर, जो कि झंडा गीत, जो नानक भील थे यह झंडा गीत गाते हुए शहीद हुए। नेक्स्ट है क्वेश्चन 54, निमोचड़ा किसान आंदोलन कहाँ हुआ? अब हम निमोचड़ा किसान आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे। यह आंदोलन हुआ था अलवर में। तो अलवर में जब सुअरों की संख्या जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, तो किसान जो है उनकी फसल बर्बाद कर रहे थे जो सुअर थे, तो इस वजह से अलवर में किसान आंदोलन हुआ। यह आंदोलन हुआ 1921 ईस्वी में, बेगू आंदोलन 1921 में, नीमू चढ़ा किसान आंदोलन 1921 में। नीमू चढ़ा किसान आंदोलन के समय अलवर के महाराजा कौन थे? तो उस समय अलवर में महाराजा थे जयसिंह। अलवर में महाराजा जयसिंह थे जब निमोचड़ा किसान आंदोलन हुआ था। नेक्स्ट है क्वेश्चन 56, 14 मई 1925 ईस्वी को किसान भू राजस्व की चर्चा के लिए कहाँ एकत्रित हुए थे? तो जो किसान थे वह एकत्रित हुए थे बांसुर तहसील के निमोचड़ा गांव में। नेक्स्ट है कमांडर छज्जू सिंह द्वारा निमोचड़ा गांव में कितने किसानों को मार दिया गया? तो यहाँ पर छज्जू सिंह द्वारा 156 किसानों को मार दिया गया। देखिए बिल्कुल लाइन बाय लाइन अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो वहाँ आपके लिए बहुत अच्छे तरीके से नोट तैयार हो सकते हैं, क्योंकि एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो एक दूसरे से क्रैश हो। तो सभी, जैसे हमने सबसे पहले बिजुले किसान आंदोलन देखा, फिर हमने सीकर आंदोलन, फिर हमने बूंदी बेंगू आंदोलन, अब हम नीमूचड़ा आंदोलन पढ़ रहे हैं। किस किसान आंदोलन को जलियांवाला बाग हत्याकांड की तुलना की जाती है? तो जो निमोचड़ा किसान आंदोलन है उसे संज्ञा दी जाती है जलियांवाला हत्याकांड की तरह। क्यों दी जाती है? क्योंकि जिस तरीके से जलियांवाला बाग में सभा हो रही थी शांतिपूर्वक और अचानक से जनरल डायर ने गोलियों की बरसात कर दी थी, इसी तरीके से निमोचड़ा किसान आंदोलन में जब गाँव के लोग जो थे, किसान जो थे, वह बैठकर सभा कर रहे थे, तब वहां पर गोलियां बरसा दी गई। नेक्स्ट है क्वेश्चन 59, कमांडर छज्जू सिंह की तुलना किससे की जाती है? तो वहां जलियांवाला बाग में जनरल डायर था, यहाँ पर छज्जू सिंह था, तो इसी तरीके से छज्जू सिंह की तुलना जो है वो जनरल डायर से की जाती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 60, महात्मा गांधी ने निमोचड़ा आंदोलन को किसकी संज्ञा दी? तो महात्मा गांधी ने निमोचड़ा किसान आंदोलन को दोहरी डायरशाही कहा। अब यहाँ आपको याद रखना है, जब आपसे पूछा जाए कि महात्मा गांधी ने निमोचड़ा किसान हत्याकांड को किसकी संज्ञा दी, तब आप कहेंगे दोहरी डायरशाही, ठीक है। लेकिन जब सामान्य तौर पर पूछा जाए कि निमोचड़ा हत्याकांड को की तुलना किससे की जाती है, तब वहां आप जलियांवाला बाग हत्याकांड करेंगे। नेक्स्ट है 61, अलवर के निमोचड़ा किसान आंदोलन में नेतृत्व कर्ता कौन थे? किसने नेतृत्व किया था? तो यहाँ के जो राजपूत थे उन्होंने नेतृत्व किया था। नेक्स्ट है प्रजामंडल आंदोलन के लिए अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद की स्थापना व प्रथम अधिवेशन कहाँ और कब हुआ? इसका आंसर है बंबई में 16 से 18 दिसंबर 1827 ईस्वी को दीवान बहादुर रामचंद्र राव की अध्यक्षता में हुआ। नेक्स्ट है क्वेश्चन 63, अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद की कार्यकारिणी में राजस्थान के कितने सदस्य थे? तो यहाँ पर सदस्य थे 7 सदस्य,
ठीक है। और वो सदस्य थे नैनू राम शर्मा कोटा से, शंकर लाल शर्मा अजमेर से, जय नारायण व्यास, कन्हैयालाल कलयंत्री ये जयपुर से थे, रामदेव पोद्दार और बालकिशन पोद्दार ये बीकानेर से थे, त्रिलोक चंद माथुर कारोली से। रिपीट कर देते हैं कि अखिल भारतीय देसी राज लोक परिषद की कार्यकारिणी में 7 सदस्य थे राजस्थान के, जिसमें नैनू राम शर्मा कोटा से, शंकर लाल शर्मा अजमेर से, जय नारायण व्यास कन्हैयालाल कलयंत्री जयपुर से, रामदेव पोद्दार व बालकिशन पोद्दार बीकानेर से और त्रिलोकचंद माथुर करौली से। नेक्स्ट है 64। इस संस्था के उपाध्यक्ष व प्रांतीय सचिव कौन चुने गए? तो जो उपाध्यक्ष थे वह चुने गए श्री विजय सिंह पथिक, जो कि बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित थे, तो यह चुने गए यहाँ पर उपाध्यक्ष, और राम नारायण चौधरी जो है वो प्रांतीय सचिव चुने गए। क्वेश्चन नंबर 65। कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन कब हुआ? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन जो है वह सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में हुआ 1938 ईस्वी में। तो ये आपका अंतिम प्रश्न था। अब आपकी हिस्ट्री जो है वो मैंने कंप्लीट करवा दी है, इसी तरीके से हम पॉलिटी जो है वह भी फटाफट कंप्लीट कर लेंगे। अब आप तैयारी में जुट जाइए, आप क्लास 6 जो हिस्ट्री की है उसको अच्छे से तैयार कर लीजिए। आपका टेस्ट होगा तो वहां आप देखिएगा कि आपकी जो टेस्ट के द्वारा आपकी रिवीजन कितनी अच्छे से हो जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।